एक राइट एंगल ट्राइंगल में वॉट कि यहाँ पे हम लोग इसको कोई भी ट्राइंगल नेम कर देते हैं कॉल इट ट्राइंगल ये हमारा ट्राइंगल ए बी सी है वो नोटेशन इन मैथमेटिकल बी अब यहाँ पे अगर हम लोग कंसिडर करें तो सी इज यूजली जस्ट से ये हमारा बेस होता है जिसको हम लोग बी बोलते हैं ये हमारा पोपेंडिकुलर होता है पोपेंडिक्यूलर जिसको हम लोग पी बोलते हैं एंड ये हमारा हाइपोटेनिस होता है that is, in short form, H. इसको हम लोग एच बोलते हैं नाउ अगर हम लोग यहाँ पे फोकस करें तो यहाँ पे थ्री साइड्स हैं, हाइपोटेनिस बेस एंड पोपेंडिकुलर यहाँ पे ऑल्सो थ्री एंगल्स हैं दैट इज दो तो एक्यूट एंगल होंगे राइट ये दोनों एक्यूट एंगल्स होने चाहिए ये दोनों 90 डिग्री से कम होने चाहिए दैट इज दे शुड बी बिटवीन जीरो डिग्री एंड 90 डिग्री एंड एक राइट right एंगल होगा ना अगर हम लोग कोई भी एंगल कंसिडर कर लेते हैं सपोज द एंगल ए हम लोग एंगल ए देखें सो लेट मी जस्ट मेक इट राइट हो ये हमारा बी हो गया सी एंड ए ये जो हम लोगों ने एंगल ए देखा है Now, जो साइड होता है दैट इज ये आ, पहले तो हम लोग ऑपोजिट में देख लेते हैं यहाँ पे एंगल ए है इसके ऑपोजिट साइड इज बी सी या फिर सी ऑपोजिट टू एंगल ए से हम लोग बोलते हैं एक साइड इसके दैट इज साइड को हम लोग साइड टू एंगल ए बोल सकते हैं एंड इज फॉर ऑलवेज हम लोग ही बोलते हैं

एंड उसके बाद वी सी टेंजेंट ए ये फर्स्ट थ्री रेशियोज है अब इनके शॉर्ट फॉर्म्स देख लेते हैं ना इट इज नॉट दैट शॉर्ट फॉर्म्स दैट इज नॉट वैलिड बाय टेक्स्ट बुक्स दैट इज नॉट दैट है इनडीड हम लोग इसे टेक्स्ट बुक्स में भी इन शॉर्ट कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हेयर्स नो ई यहाँ पे हम लोग बस कॉस लिखते हैं साइन ए कॉस एंड इसे हम लोग सिर्फ टैन ए बोलते हैं राइट right? तो तो ये तो हो गए उनके शॉर्ट फॉर्म्स द अदर थ्री रेशियोज अब अगर हमें ये थ्री रेशियोज समझ आ गए जो तब जो बाकी के रेशियोज हैं, दे आर रियली वेरी इजी थिंग टू डू लाइक दैट इज कोसेकेंट ए कोट ऑफ ए इनको कोर्ट ऑफ एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म दिस इज कोटेंजेंट ए सॉरी या yeah. अब इनके शॉर्ट फॉर्म्स हम लोग देख लेते हैं इसे हम लोग कोसेकेंट ही पढ़ते हैं दिस इज नोन एज सेक ए एंड दिस इज नोन एज कोट ए राइट ये थ्री रेशियोज हो गए हियर इज sin a cos a tan a cosecant a secant a एंड cotangent a दैट इज हमारे सिक्स रेशियोज ना लेट्स स्टडी वन बाय वन की ये रेशियोज एग्जैक्टली exactly है क्या तो अगर हम लोग यही ट्राइंगल कंसीडर करते हैं तो साइन ए हम लोग डिफाइन करते हैं साइन ए कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो एंगल ए होगा राइट इन राइट एंगल ट्राइंगल जो एंगल ए होने वाला है तो उसके जो साइड एक्चुअल uh, में यहाँ पे ऑपोजिट uh, होगा द साइड ऑपोजिट टू एंगल ए जो कि यहाँ पे बी है डिवाइडेड बाय में हाइपोटेनस फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ये हमेशा एक कॉन्स्टेंट ही रहेगा जैसे हम लोग साइन ऑफ एंगल ए बोलते हैं लाइक like, ये 30 डिग्री है तो किसी दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल में भी ये वैल्यूज हम लोगों ने चेंज कर दिया लेकिन अगर ये 30 डिग्री है तो ये जो हमारा रेशियो होगा सॉरी दिस ये रेशियो तब भी वही रहेगा दिस इज डिफाइंड टू बी अ रेशियो दैट इज पर्टिकुलरली फिक्स्ड फॉर एन एंगल ए दैट इज द साइड ऑपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय माय हाइपोटेनस द नेक्स्ट वी विल सी इज अबाउट कॉस ए को से हम लोग डिफाइन करते हैं द साइड एडजसेंट टू एंगल ए ए बी ओवर में हाइपोटेनस उसके बाद व्हाट विल सी इज tan a tan a हम लोग बेसिकली डिफाइन करते हैं द साइड एडजसेंट टू एंगल ए दैट इज बी सी ओवर द साइड सॉरी दैट इज साइड ऑपोजिट रियली कंफ्यूजिंग थे द साइड ऑपोजिट टू एंगल ए दैट इज बी सी डिवाइडेड बाय में साइड एडजसेंट टू एंगल ए दैट इज ए बी तो पहले ये हमारे थ्री मेन फॉर्मूला हो गए अब अगर हमें ये थ्री रेली में समझ आ, आ, आ जाते देन द रेस्ट थिंग्स आर रियली इजी आई विल एक्सप्लेन यू हाउ एंड अगर उसमें भी मोर डीपली देखें सो दीस टू आर मोस्ट इंपोर्टेंट क्योंकि ये जो tan a है ना ओरिजिनली व्हिच एग्जिस्ट आर sin एंड cos है बाद में हम लोगों ने क्या किया कि tan a हम लोग डिफाइन कर दिए कि sin a और cos a का रेशियो कर दो

एंगल ए ये साइड ए बी सी दिसल टी अब हम लोग उसके बेसिस लो ने टेंजेंट ए भी डिफाइन कर दिया अब कोसेक ए जिसका फुल नेम है cosecant A, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते वेल जस्ट कंसिडर ओनली साइने सिर्फ साइने लो एंड इसका इनवर्स कर दो इनवर्स दैट इज वन बाई साइने कर दो सर हम लोगों ने ये तो कर लिया कि साइने एंड कोसे का भी तो रेशियो कोई रेशियो साइड्स अ राइट एंगल ट्राइंगल होगा वैसे ही अगर एक हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो करते हैं उसका इनवर्स कर देते हैं दैट इज इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो वो ऑल्दो रेसिप्रोकल ऑफ एक्चुअल में द फ्रैक्शन रैशनल नंबर हो जाएगा लेकिन वो भी तो रेशियो ऑफ साइड्स है ही होगा दैट इज हम लोग कोसेकेंट a कोसेक a एक्चुअल में डिफाइन करते हैं एज 1/sin a दिस इज हाउ वी एक्चुअली डिफाइन इट 1/sin a

नोन कॉटे अब हम लोगों ने क्या किया कि दैट इज अब टैन ए का रेसिप्रोकल कर दो दैट इज वन बाई टैन ए अब टैन ए तो खुद एज अ होल इफ वी वांट हम लोग कह सकते रेशियो ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है दैट इज वन बाई टैन ए तब कितना होगा दैट विल बी कॉस ए और साइन ए एज टैन ए साइन ए ओवर कॉस तब यहाँ पे दिस विल हैपन वॉट पहले क्या हो रहा था

ये पर्टिकुलर एंगल लाइक अगर हम लोगों ने एंगल ए थर्टी डिग्री कंसिडर करा है तो हर कांड के ट्राइंगल में हर ट्राइंगल में साइन ए कॉस ए ए एट ए कॉलेट सेक एस ए हर कांड के राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एंगल थर्टी डिग्री है तो ये सारे रेशियोज फिक्सड होंगे फॉर थर्टी डिग्री लाइक मैं इसका साइन बता देता हूँ साइन फॉर थर्टी डिग्री हम लोग बोलते हैं एज वन बाई टू

that is that is just all for today and about trigonometric ratios and just an introduction to trigonometry and in the further videos we'll complete the concepts of class 10th key and CRT mathematics ka trigonometry chapter and then even move on to exercise and that was all for today and thanks to all of us in